Yes, so today's review is going to be about these foundations from Maybelline, and I have these in three shades, in nude, ivory, and in fawn. So let's get back to the video, देखते हैं ये कितने अच्छे से मेरे लिए काम करती हैं. So this shade right here is ivory, ठीक है, मैं इसकी ट्यूब भी आपको शो कर देती हूँ. This is shade ivory and I think mostly women in Pakistan go for this shade क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा गोरा दिखना होता है. And the second one here, ये sand है. No, I'm sorry, ये nude shade है, right? And the last one and the most darkest among them all is fawn, right? So it's here, it's fawn. And yes, तो अभी मैंने अपने सेल फोन की फ्लैश ऑन की हुई है and this is how they look without flash. Okay, now I think they are more detectable. Yes, so that's it. Welcome back. आप लोगों ने इसके swatches तो देख लिए हैं. तो basically it's a mousse consistency, काफी ज़्यादा thick और whipped किस्म की foundation है ये. It's not runny at all. It's like and अब मैं इसकी coverage basically देखने वाली हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं. मेरा फेस कितना ज़्यादा खिला हुआ हो रहा है. दैट इज़ क्लोजेस्ट टू माई कलर इज न्यूड. तो मैं इसको अभी ट्राई करने वाली हूँ. पहले मैं अपना फेस मॉइस्चराइज कर लूँ जस्ट. या तो मेरा फेस इस वक्त मॉइस्चराइज है लेकिन मैं करने ही वाली हूँ कि मैं अपना हाफ फेस खाली मॉइस्चराइज रखूँगी एंड अदर फेस आई विल अप्लाई प्राइमर एज वेल. तो ये मेरे पास EPK का फेस प्राइमर है. काफ़ी अच्छा है. इट्स इन्फ्यूज विद गोल्ड फ्लेक्स एंड समथिंग. सो यस, अब मैं किस तरफ चले. आई एम प्राइमिंग माई लेफ्ट साइड. बहुत थोड़ा सा मैंने इसका अमाउंट लिया एंड आई एम जस्ट पुटिंग दिस ऑन. यस, सो कमिंग टूवर्ड्स द एप्लीकेशन ऑफ दिस फाउंडेशन, सिंस ही बहुत थिक है, लेट्स जस्ट सी हाउ वेल इट यू नो कवर्स माई स्किन. और इस वक्त मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि ये कितनी लेनी चाहिए, ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए. आई डोंट हैव एन आइडिया. स्किन की इस वक्त फिलहाल जो कंडीशन चल रही है उस हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा ही ले रही हूँ ये देखने के लिए कि हाउ वेल इट कवर्स. ओके, मैं इसको हाथ से ही अभी फिलहाल स्प्रेड कर लूँ. आफ्टर दैट देखते हैं कि आई थिंक आई टुक अ बिट टू मच क्योंकि अच्छी कवरेज लग रही है मुझे इसकी. ओके, सो ऑन दिस साइड मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया है. ठीक है, मैं इसको ब्लेंड करूंगी विद द हेल्प ऑफ माय ब्यूटी ब्लेंडर एंड लेट्स सी. एंड ऑन द अदर साइड आई विल जस्ट यू नो यूज माय फिंगर्स. You can see के ऑलरेडी मेरी फेस पे कवरेज कितनी प्यारी आ रही है इससे, लाइक और बहुत ज़्यादा मैटर. आई डोंट थिंक कि आई नीड पाउडर टू टॉप अप विद दिस फाउंडेशन क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पाउडरी है ऑलरेडी. आई डोंट नो इज बिकॉज ऑफ द प्राइमर या फिर बस वो दूसरी साइड पे जब लगाऊंगी तो पता चल ही जाएगा. लेकिन वैसे भी दिस फाउंडेशन इज सुपर डुपर लाइट वेट और बहुत ज़्यादा फैदरी टच है, बहुत लाइक सिल्की टच है इसमें. दैट्स द कवरेज के लिए आई विल जस्ट गिव दिस 8 out of 10 विच इज़ यू नो 25% मोर देन अ बीबी क्रीम. या तो अब मैं ज़रा सा यू नो टाइनी अमाउंट लूँगी जस्ट टू सी कि ये कितना अच्छा जाता है. सो याद रखिए कि मैंने अपनी फेस की इस साइड पे सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाया था, देर इज नो प्राइमर हेयर. सो आई एम बैक. मैंने अपने फेस पे कोई पाउडर नहीं लगाया, कोई क्या कहते हैं कंसीलर नहीं यूज़ किया. आई एम जस्ट पुटिंग ऑन माई लिपस्टिक
मैंने अपने थोड़े से आईब्रोज को ग्रूम किया एंड आई यू नो जस्ट अप्लाई द मास्कारा। मेरे आजकल फेस बहुत ज़्यादा पैची हो रहा है, मेरी स्किन ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, बट यू नो ये फाउंडेशन ज़रा भी उन पैचेस पे जाके चिपक नहीं गए, यू नो इट्स नॉट स्टिकिंग टू माय ड्राई पैचेस, यानी कि ये हाइड्रेटिंग है। क्या बोल रही थी, या लिटिल गोज अ लॉट लॉन्ग वे, जिससे मैं बहुत इंप्रेस हुई हूँ, क्योंकि एज टाइम पासिस बाय ये फाउंडेशन थोड़ी सी यू नो थोड़ी सी डार्क हो जाती है। लाइक आप इसको बीबी क्रीम की तरह और फाउंडेशन दोनों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स बिल्डेबल एज वेल। तो आप चाहते हैं अगर कि आपको शेयर कवरेज दे तो शेयर कवरेज मिलेगी, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट यू पुट ऑन योर फेस। इफ यू लाइक दिस रिव्यू, इफ यू डिड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर कीजिए। ओ बिल्लियाँ, या आजकल हमारे मोहल्ले में बहुत लड़ाकू बिल्लियाँ आई हुई हैं, किटन्स किटन्स एवरीवेयर। So yes, that's about it. Tata.